पोपो पांडा। पोपो पांडा अलफ नगर में एक प्यारे से घर में रहता था। उसके घर का रंग पीला था और इस पर पान की एक बेल चढ़ी हुई थी। पोपो रोज पान के पत्ते खाता और वो भी पांच पांच। पोपो को गाना गाना अच्छा लगता था, सोना उससे बहुत अच्छा और खाना सबसे अच्छा। मगर एक दिन ऐनक वाले उल्लू को देखकर पोपो को एक नया शौक पैदा हुआ, पढ़ने लिखने का शौक। पहले दिन जब पोपो स्कूल गया तो परेशान हो गया, इतनी पढ़ाई। उसे पहाड़े पढ़ पढ़ कर नींद आने लगी और फिर भूख भी लगने लगी। वो पहले दिन तो स्कूल से भाग आया। घर आकर उसने सोचा कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या। उसको ऐनक वाला उल्लू याद आया। पोपो ने अगले दिन स्कूल जाने का फैसला किया। मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही थी। वो चार पहाड़े तो याद कर लेता मगर पांचवे पहाड़े पर वो पहले चार भी भूल जाता। लल्लू लूमड़ उसे पहाड़े रटा रटा कर थक गया। पोपो, जब तक तुम चुस्त नहीं होगे, अपना पेट कम नहीं करोगे, पढ़ लिख नहीं सकोगे। एक दिन बीबी बथो ने उसे प्यार से समझाया। बात पोपो को समझ आ गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमर और पेट को फीते से नापा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा है। उसे परेशानी हुई। कल से मैं कम खाऊंगा और सुबह सवेरे दौड़ लगाऊंगा। पोपो ने पक्का इरादा कर लिया। अगले दिन पोपो सुबह सवेरे किसी न किसी तरह जागा। घर से निकलकर उसने दौड़ लगानी शुरू की। फूले सांस और हिलते पेट के साथ वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। और तब अचानक सामने पीपल का पेड़ आ गया। वहां पहुंचते ही पोपो को भूख लग गई। एक, दो, तीन, चार, पांच। वो दरख्त पर चढ़कर पत्ते खाता गया। पहले भूख खत्म हुई, फिर उसे नींद आ गई और वो पीपल के दरख्त से लिपट कर सो गया। पापा, पापा! उसकी आंख बीबी बथको की आवाज से खुली। तुम यहाँ सो रहे हो? क्या स्कूल नहीं जाओगे? क्या टाइम हुआ है? बस मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। उसने जमाई ली और बीबी बथको से पूछा। पौने पांच बजे कोई स्कूल नहीं खुलता पापा, स्कूल बंद हो चुका है। बीबी बथको ने अपना पर उठाकर घड़ी की तरफ इशारा किया। पौने पांच बजे? पोपो हक्का बक्का रह गया। पोपो, जब तुम हर काम घड़ी देखे बगैर करोगे तो ऐसा ही होगा ना? ना तुम वर्जिश के लिए जागोगे, ना स्कूल के लिए, ना पतले होगे और ना कभी पढ़ लिख सकोगे। बीबी बथको ने उसे समझाया। पोपो ने एक बार फिर फैसला किया कि वो कल से वक्त की पाबंदी करेगा। पर अब कल सुबह उसे पांच बजे कौन जगाएगा? पोपो की नई परेशानी ये थी। पत्ते खाता, पांच पांच गाने गाता, पौने ग्यारह सो के उठता, पौने बारह फिर सो जाता, पढ़ना लिखना ख्वाब।